अस्सलाम बिस्मिल स्टूडेंट्स टुडे आर टॉपिक इज प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ आ प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ नाउन एग्जाम्पल्स ही शी इट दे वी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि बार बार हम नाउन को रिपीट ना करें तो उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं जैसा कि ही है शी इट दे वी अब यहाँ पे देखें ये मैंने थ्री फोर सेंटेंसेस लिखे हैं सारा इज अ गुड स्टूडेंट सारा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल सारा ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ सारा इज ऑनेस्ट अब यहाँ पे देखें सारा इज अ नाउन अब हमने यहाँ पे हर सेंटेंस में सारा को रिपीट किया है वन टू थ्री फोर यहाँ पे सारा नाउन है और हमने बार बार सारा को रिपीट किया है इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जैसे सारा इज अ गर्ल तो गर्ल के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करना है शी फर्स्ट तो हमने एक दफा सारा का नाम ले लिया है कि सारा इज अ गुड स्टूडेंट अब यहाँ पे इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम करेंगे शी इज

यूज किया अगर यहाँ पे हमारे पास कोई बॉय होता तो उसके लिए हम ही का प्रोनाउन यूज करते अगर कोई थिंग होती कोई एनिमल होता तो उसके लिए इट का हम प्रोनाउन यूज करते और अगर हमारे पास प्लूरल में होता तो दे का वी का वो वाले प्रोनाउन यूज करते अब हम नेक्स्ट इसकी जो है वो टाइप्स देख लेते हैं प्रोनाउंस की अब ये देखें हमारे पास प्रोनाउन की टाइप्स हैं फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन्स सेकेंड है पोजेसिव प्रोनाउंस थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फोर्थ है इंटरगटिव प्रोनाउंस फिफ्थ है प्रोनाउंस है इनडेफिनेट प्रोनाउंस और सेवंथ पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देर आर सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हियर अब हम जो है वो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस रेफर करते हैं थ्री प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन में जो बंदा बात कर रहा होता है वो वाले प्रोनाउंस है जैसे अगर सिंगुलर है तो उसमें मैं बात कर रही हूं अगर प्लूरल है तो हम बात कर रहे हैं ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सेकेंड पर्सन में जिसे आप बात कर रहे होते हैं यू और योर्स आप किसी से जब बात कर रहे होते हैं जो आपके सामने मौजूद होता है बंदा तो वो होते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में जिनके बारे में आप बात कर रहे होते हैं वो वहां पे मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ही शी इट दे अगर सिंगुलर है तो ही शी इट है और अगर प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस दे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल तो प्रोनाउंस तो में थ्री टाइप्स हैं प्रोनाउंस की फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस फर्स्ट में आई और वी आता है सेकेंड पर्सन में यू you और योर्स आता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में ही शी इट और दे आता है अब हम देख लेते हैं कि इन प्रोनाउंस में से कौन से हम जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हैं कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हैं और कौन से जो है वो पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज करते हैं अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और प्रोनाउसिव प्रोनाउंस लिखे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस को हम पोजेसिव केस भी कह सकते हैं छोटी क्लासेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस है तो बड़ी क्लासेस के लिए हम कहते हैं कि ये वाले जो प्रोनाउंस है ये हम नॉमिनेटिव केस में यूज कर रहे हैं इसी तरह ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हम छोटी क्लासेस के लिए यूज करते हैं और बड़ी क्लासेस में हम ये कहते हैं कि ये वाले प्रोनाउंस हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज करने हैं इसी तरह पोजेसिव uh, प्रोनाउंस ये वाले सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि इनको हमने पोजेसिव केस में यूज करना है अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे यहाँ पे आई है आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करेंगे तो मी करेंगे इसी तरह पोजेसिव में अगर हम जो है वो यूज करेंगे तो माय और माइन होगा ये मैं अभी आपको एग्जांपल्स लिख के बताऊंगी जस्ट आप ये देख लें कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं इसी तरह यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट में भी हम यू यूज कर सकते हैं और पोजेसिव में हम योर your और योर्स का यूज करते हैं इसी तरह वी है सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है अस और पोजेसिव में है अवर our और अवर्स दे जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन uh, होगा देम और इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा देअर्स इसी तरह ही है ही का जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम होगा और इसका पोजेसिव होगा हिज इसी तरह शी है शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो हर होगा और इसका पोजेसिव हर या हर्ज होगा इसी तरह अगर इट है तो इट का सब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट है और इसका पोजेसिव जो है वो इट्स होता है अब जो है वो हमने देख लिए हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं प्रोनाउंस कौन से अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी है दे आर गुड स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें हमारे पास प्रोनाउन कौन सा है दे तो ये कौन से केस में यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है ऑब्जेक्ट या के पोजेसिव अब हमने ये देखना है यहां पे दे हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन को ठीक है सेकेंड में है आमना गेव इट टू महनूर अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रोनाउन है इट इट कौन सा है यहाँ पे सब्जेक्ट uh, प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है या के पोजेसिव में अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट तो आमना आ गया है वो तो नाउन है इट जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं शी गेव मी द बुक अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो प्रोनाउन शी भी है और मी भी है अब शी जो है ये कौन सा है सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है नेक्स्ट है द टीचर टॉट अस नाउन यहां पे हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है इस सेंटेंस में अस आज कौन सा जो है वो प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर दिस हाउस इज देस ये हाउस उनका है देर्स यहाँ पे देर्स जो है वो पोजेसिव यहाँ पे वो ओनरशिप जाहिर कर रहे हैं कि ये जो घर है ये उनका है तो जो ओनरशिप आपकी पोजिशन किसी चीज पे जाहिर करते हैं वो वाले प्रोनाउंस कौन से होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस तो यहाँ पे देस जो है इस घर पे उनकी पोजिशन को शो कर रहा है तो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन जिसको हम पोजेसिव केस भी कह सकते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस के तौर पर यहाँ पे ये यूज हुआ है दैट बुक ओवर देयर इज हर्स वो किताब जो वहां पर है वो उसकी है उस लड़की की है हर्ज ठीक है यहाँ पे भी उस बुक पे उस लड़की की पोजीशन को हम शो कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप को शो कर रहे हैं तो ये कौन सा प्रोनाउन है पोजेस्िव प्रोनाउन यहाँ पे मैंने आपको आप तीनों केसेस बता दिए हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट कैसे यूज होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन्स जो है वो कैसे यूज होते हैं इससे पहले मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था उसमें मैंने आपको अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन्स बताए थे यहां पर मैंने आपको उनका यूज बता दिया है सेंटेंसेज में कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके पास प्रोनाउन यूज हुआ है वो uh, Uh, कौन सा है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है या के पोजेसिव है दोबारा मैं आपको बता देती हूं सब्जेक्ट प्रोनाउन को आप नोमिनेटिव केस भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स को आप जो है वो ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस को आप पोजेसिव केस भी कह सकते हैं अब यहां पे हमने प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स में जस्ट एक टाइप जो है वो पर्सनल प्रोनाउन्स को कवर किया है इन शह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो इसकी बाकी टाइप्स हैं वो उसको हम करेंगे आई होप कि आपको लोगों को समझ आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग